वेलकम टू माई रितिकाज किचन। मैं रितिका पांडे आपका अपने रितिका किचन में स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं आम का अचार। तो उसके लिए देखिए, मैंने आम को, मेरा ये 6 किलो आम है, 6.5 किलो। तो ये आम को ना मैंने धो पानी में डाल दिया था, इसके बाद इसको इस रात भर पानी में डाल गया था। इसके बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद धो के और इस तरह से धूप में कपड़े पे डाल दिया है। अब इसे 4 से 5 घंटा पूरा पानी इसका उड़ने तक सूखने देंगे, और इसके बाद हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे और मसाले डालेंगे। और आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, किस तरह से अचार बनाते हैं देखिए। हमने जो आम काट के सुखाए थे वो थोड़ा सा इसका मॉइस्चर उड़ गया है, इसमें से पानी बिल्कुल निकल गया है। तो इसमें मैं नमक और हल्दी डाल के पूरे रात के लिए इसे छोड़ देंगे, और आप चाहें तो 1-2 घंटे बाद भी मसाले मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, और चाहेंगे तो पूरे ओवर नाइट छोड़ भी सकते हैं, अगले दिन भी आप इसमें तेल मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी इसमें नमक और हल्दी मिला रही हूँ, और 1-2 घंटे के लिए इसे मैं 2 घंटे बाद इसमें मसाले वगैरह मिला देंगे। और अगर आपके पास मसाले तैयार नहीं हुए होंगे तो आप तुरंत भी मतलब ओवरनाइट के लिए छोड़ के दें, और अगले दिन भी आप इसमें मसाले डाल सकें। तो देखिए, मैं अंदाज से हल्दी डाल दूँगी। मेरा ये 6.5 किलो आम था, और आप जितना मतलब आम रहेगा उसके हिसाब से आप इसमें हल्दी नमक डालेंगे। देखिए इस तरह से, थोड़ा आम जो होता है ना खट्टा होता है, तो उस हिसाब से हमें नमक डालना होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ नमक ले लिया है, और ये 6.5 किलो है। तो इस तरह से मैं भर भर के हाथ से ऐसे नमक डालूँगी। देखिए खट्टा होता है, 6.5 किलो अचार है। तो इस तरह से मैं इसमें मुट्ठी से 4 मुट्ठी ऐसे करके नमक डालूँगी, क्योंकि तो अब ये चीज़ खट्टी होती है ना, तो इसमें नमक जाके पड़ता है आम के अचार में। देखिए, मैंने नमक इसमें डाल दिया है गाइस, और इसे अब मेरी पूरी वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और देखिए, बहुत टेस्टी आम का अचार लगता है, आप इसे ज़रूर बनाना। ऊपर से नीचे इस तरह से हम उसको मिला देंगे, उसको छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद भी मसाले डाल सकते हैं, और अगर आपको मसाले तैयार नहीं हुए हैं तो ओवर नाइट के लिए भी छोड़ दीजिए, और इसको धूप में रख दीजिए। इसके बाद मसाले वगैरह तेल मिला दीजिए। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। आम के अचार बनाने के लिए मुझे कुछ मसालों को फ्राई करना होगा, तो मैंने फ्राई पैन चढ़ा दी है, इसको सूखे फ्राई करेंगे। तो उसके लिए देखिए, साबुत जीरा है 50 ग्राम में, थोड़ा सा कम है, वैसे ही मेथी है, सौंफ है, अजवाइन और मंगरेल है साबुत, इसको क्रश करके बस डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मेथी को फ्राई करती हूँ। देखिए, तो देखिए गैस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, इसमें से सुगंध आने लगेगा और चटपट करने लगेगा हमारी मेथी, सब फ्राई हो जाएगी। देखिए गाइस, मेथी हमारी इस तरह से भुन चुकी है, और फिर से मैंने फ्राई पैन खाली कर लिया है, और इसमें मैं भूनूंगी सौंफ। और सौंफ को भी उसी तरह जब इसमें फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक कम आँच पर, और ये चटकने लगेगा तो थोड़ा खुशबू आने लगेगी, तो फिर आप इसे बंद कर दीजिएगा। इस तरह से हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, इस तरह से सौंफ को हमने फ्राई कर लिया है, इसमें चट-चट की आवाज़ आने लगी है, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसी तरह से गाइस, हम सारे मसालों को फ्राई कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर जार में पीस लेंगे, और इसे डाल देंगे आम के अचार में। और सौंफ से हमारे आम के अचार में बहुत अच्छी स्वाद आती है, मेथी से। तो सारे मसालों को जरूर डालिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। तो देखिए गाइस, मैंने सौंफ को निकाल लिया है, अब मैं इसी पैन में जीरा को फ्राई करूँगी, और सेम उसी प्रोसेस से सारे मसालों को बिल्कुल सूखा फ्राई करना है। इसमें ऑयल डाल के नहीं फ्राई करना है, और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा
तो इसे पीस लेंगे। और सरसों भी है, सरसों को पीस लेंगे और अजवाइन मंगरेल को साबुत डालेंगे और बहुत टेस्टी अचार बनता है। मेरे तो अचार का सभी जो भी रिश्तेदार आते हैं ना बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं ना कि आपके अचार तो आप मम्मी के खुशबू आ रही है, मम्मी लोग की खुशबू आ रही है। जैसे मम्मी लोग बनाती थी दादी नानी, वैसे मैं अचार बनाती हूँ। मैंने अपनी नानी, अपनी मम्मी, खुद की मम्मी को देखा है तो उसी तरह मैंने सीखा है, तो वही चीज़ मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से इसको भी फ्राई करेंगे कम आंच पे, अब खुशबू आने लगेगी। तब तक इसे भुनेंगे। और गाइस इसके बाद इसमें से चक चक की आवाज़ आने लगेगी और खुशबू अच्छी आने लगेगी, गोल्डन हो जाएगा। तब तक भूनते हैं, बने रहिए आप लोग वीडियो को। तो देखिए गाइस जिस तरह से मैं अपने जीरा को भून रही हूँ, 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक एकदम से ये इसका कलर चेंज हो जाएगा तब समझ लीजिए आपका जीरा भून गया, खुशबू आने लगेगी। तब इसे वो करिएगा, इसे अच्छी तरह से भूनिएगा, नहीं तो ये भुना हुआ ये जीरा ज़्यादा अच्छा लगता है अचार में। कम भूनेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। इस तरह से देखिए जीरा, मेथी, सौंफ सारे मसालों को मैंने भून के और इकट्ठे रख लिया, एक ही साथ सारे मसालों को पीस लेंगे। और अजवाइन मंगरेल को मैंने नहीं भुना है, इसको हाथों से ग्रेस करके डालेंगे। और इसमें है लाल मिर्च पाउडर और हींग है और सरसों तेल रहेगा और सरसों और धनिया पाउडर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए गाइस मैंने 1/2 किलो सरसों ले लिया है, काली वाली सरसों है, आप चाहेंगे तो पीली वाली भी सरसों ले सकते हैं। और इस तरह से सूखी, बिना इसको फ्राई नहीं करना है, इसको मिक्सर जार में बिल्कुल बारीक पीस लेना है। 6 किलो में, 6.5 किलो में 1/2 किलो सरसों है। और ये जो जो मैंने हल्दी और नमक लगा दिया था जो आम को, तो उसके बाद देखिए हेयर कैसे हुआ है। देखिए ये हल्का हल्का पानी रिलीज कर दिया है, तो हमारा मैंने इसे 4-5 घंटे बाद ऐसे बना रही हूँ। तो देखिए मैंने जो सरसों आपको दिखाए थे उसे पीस लिया है ग्राइंडर जार में, और बहुत इसे बारीक पीसना है, बहुत अच्छी तरह से देखिए मैंने पीस लिया है। तो मैं यहाँ पे सरसों डालूँगी और देखिए इस तरह से मैं सरसों डाल दूँगी इसमें। ये 1/2 किलो सरसों मैंने लिया है, 6.5 किलो आम में, तो इसी अंदाज से आप सरसों भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इस तरह से देखिए चला रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सारे सरसों को डाल दूँगी पिसा हुआ। और देखिए गाइस ये जो मैंने मसाले लिए थे वो आपके दिखाया था जो पीस के उसे, अरे सॉरी जो भून के दिखाया था उसे पीस लिया अच्छी तरह से बारीक ग्राइंडर जार में। तो पीसने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, तो मैं इसे भी डाल दूँगी, देख इसको भी डाल दूँगी इसमें इस तरह से सारे मसालों को। और मसाले पे ही तो अचार अच्छा बनता है, सारे मसालों को आप ज़रूर डालिएगा, किसी भी मसाले को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और अजवाइन मंगरेल को मैंने हथेली पे क्रश कर लिया है, तो क्रश करके उसे भी डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए धनिया पाउडर मैंने बाज़ार से लाया था, तो अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसे। तो थोड़े से 2-4 चम्मच इस मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। देखिए एक पैकेट था तो इसे मैंने 1/2 पैकेट डाला है 6.5 किलो में। और ये है आपकी लाल मिर्च पाउडर, तो इसे भी डाल देंगे। और आम खट्टा होता है ना तो मिर्ची इसमें जाएगी, तो 50 ग्राम मिर्ची पाउडर थी ऐसे डाल देंगे। आप ज़्यादा खाते हो तो मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमारे घर तो कम खाते हैं। और ये अजवाइन मंगरेल है, इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया था, इसे डाल देंगे। और बचा अब हींग, और हींग डाल देंगे, हींग से अचार में स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ सरसों तेल अच्छी तरह से डालेंगे, और इसे सरसों तेल डाल देंगे तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अचार को बिल्कुल साफ हाथ से छूना चाहिए,
बिल्कुल क्लीन हो के छूना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाता है। और इसे सूती कपड़े से ढक के, चारों ओर से कवर करके इसे ढक के तब मैं धूप लगाऊंगी। और बारिश का पानी इसमें नहीं डालना चाहिए, जैसे पानी वगैरह तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ, हींग से स्वाद अच्छा था। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और हींग डाल देती हूँ, हींग से मेरा स्वाद अच्छा था अचार में। अब देखिए हींग डाल दिए मैंने, थोड़ा सा सरसों तेल और डालेंगे, हमारा अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। 10 से 15 दिन कंटिन्यू धूप लगेगा ना, तब अचार पक जाएगा। इसे जितना ज़्यादा धूप लगाएंगे उतना ही आपका अचार अच्छा बनेगा। और मिर्ची अगर आपको कम लगेगी तो आप मिर्ची बढ़ा भी सकते हैं, आपकी ऊपर है। तेल इसमें डाल, तेल अब आप अपना देख के बड़ा, जैसे तेल सूखा आपको लगे अचार तो तेल धूप डाल लगाते समय भी आप डाल सकते हैं, बट थोड़ा अचार में तेल रहता तो अचार अच्छा लगता है। इस तरह से मेरा 1 लीटर तेल इसमें पड़ गया है, 6.5 किलो अचार में 1 लीटर तेल पड़ गया है। और बाद में मुझे लगेगा कि थोड़ा तेल कम लग रहा है तो ना ज़्यादा ही तेल डालना है ना कम ही डालना है, बराबर मात्रा में डालना है जिससे अचार हमारा सारा भीग जाए और टेस्टी बने। बहुत लोग सूखा सूखा अचार कर देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से पलटे की सहायता से मैं इसे अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी और इस तरह से हमारा अचार रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपनी मम्मी से सीखा अचार बनाना, तो वही वाली अचार मैंने लाई है वीडियो पे। तो आप पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरा अचार आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप कहेंगे, आप डिमांड करेंगे तो मैं और कई सारे चीज़ों की अचार की रेसिपी ले आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय गाइस, जय माता दी।